इंजीनियरिंग छात्रों के तो कई किस्से आपने भी सोशल मीडिया पर या फिर अपने दोस्तों के मुंह से सुने होंगे, लेकिन गाजियाबाद के इंजीनियरिंग छात्रों का एक किस्सा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। दरअसल पेट्रोल व्हीकल को इंजीनियर्स ने ईवी व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, अब ना ही इस स्कूटी का चालान होगा और ये कई साल और दौड़ सकेगी। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली व्हीकल और ये मेरी टीम है, शुभम, विकास, अरमान, अभिषेक एंड विकास पांडे। तो हम सब ने मिलके एक एनवायरमेंटली व्हीकल बनाया है जिसकी हमारी कॉस्ट आई है 24,000 रुपीज़। ये है होंडा हमारी एविएटर। इसको हमने क्या किया है, हमने स्क्रैप मार्केट से ख़रीदा है, उसके बाद हमने इसका इंजन रिमूव किया है। इंजन रिमूव करने के बाद हमने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग तय की है और सारा हमने डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग तय किया है। नीचे हमने सारा अपने आप बनाया है। अभी हमने क्या किया है, इसमें मोटर, बैटरी, कन्वर्टर एंड इसका थ्रोटल एंड ब्रेक्स सब हमने अपने अकॉर्डिंग लगाए हैं जो हमारे इसको ऑपरेट कर सकें, BLDC मोटर को। तो BLDC मोटर, ये कंट्रोलर हमारा जो है वो हमारी BLDC मोटर को कंट्रोल करता है, वो सारी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग जाती है हमारी मोटर को। तो ये हमारे 24,000 में जो बना है, ये हमारा सबसे लोएस्ट कॉस्ट में हमारी 25-30 किलोमीटर हमारी चली जाती है। तो हमारा ये 2 रुपये किलोमीटर भी नहीं पड़ती है, उससे हमारी कम ही पड़ती है कॉस्ट। दरअसल एक निर्धारित समय अवधि के बाद पेट्रोल कार सड़क पर नहीं चल सकती है, ऐसे में RTO आपका चालान भी काट सकता है। बस इंजीनियरिंग छात्रों के मन में यही सवाल घर कर गया और उन्होंने एक ऐसा व्हीकल इन्वेंट कर दिया जो अब कई और साल सड़कों पर दौड़ सकता है। इसकी प्रशंसा गाजियाबाद के RTO डिपार्टमेंट ने भी की। हमारा इसलिए आया क्योंकि आफ्टर 50 इयर्स के बाद हमारी जो नॉर्मल हमारी स्कूटीज बाइक्स होती हैं वो हमारी रजिस्ट्रेशन से आउट हो जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि हम इसी को कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा हमारा इसकी कॉस्ट बच जाएगी। तो हम इसी में कम थोड़ा इन्वेस्ट करके हम इसको थोड़ा और हम चला सकते हैं कुछ इयर्स के लिए। हालांकि पेट्रोल व्हीकल को EV में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्कूटी की ग्रेविटी को मेंटेन करना था, क्योंकि सेंटर बैलेंस बार बार इंजीनियरों के सर में दर्द बना हुआ था, लेकिन इसको भी मेहनत के बाद खोज लिया गया। हमारी ये चैलेंज आए हमें क्योंकि इसकी CG आउट होने की सबसे ज़्यादा हमें वो दिखी इसमें कमी, और दूसरा कि हमारी बैटरी हम अंदर करना चाह रहे थे पर ये क्या है, लोड कैपेसिटी की वजह से हमें ये बैटरी हमें बाहर रखनी पड़ी। अगर हम ये बैटरी अंदर रखते तो हमारी क्या है, हमें नंबर ऑफ बैटरी हमें कम करनी पड़ती, तो इससे क्या होता हमारी पावर में और स्पीड में बहुत इफेक्ट पड़ता। इसके कारण हमने नहीं यहाँ पे रखी है। ये हमारे चैलेंजेस इवैल्यूएशन। तो अभी इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या है और ये कितने घंटे चल सकती है? चार्जिंग कैपेसिटी इसकी 3-4 आवर्स है और ये 25-30 किलोमीटर हम चला सकते हैं।